श्री, इस विभूति को घर के मुख्य द्वार की चौखट पर डाल दो। इससे क्या होगा पुजारी जी? जिस किसी ने भी मंगलसूत्र चोरी किया है वो ये ठीक से जानता होगा कि अगर उसने वो मंगलसूत्र घर में कहीं रखा तो हम उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे, और इसीलिए वो मंगलसूत्र को लेकर घर के बाहर जाने की कोशिश जरूर करेगा। कोई भी वो मंगलसूत्र लेकर इस घर की चौखट लांग कर जा नहीं सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो ये विभूति की लक्ष्मण रेखा जागृत होकर अग्नि रेखा बन जाएगी। लो बिटिया, पुजारी जी अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें घर के लोगों को पूछना चाहिए, उन्हें भी तो पता चले कि हम ये बात जानते हैं। ये काम मैं करूंगा मधु भाभी। नहीं हरी, तू नहीं करेगा। नहीं भाभी, इन्हें पूछने दीजिए, ये घर के बेटे हैं, इनका पूछना घर वालों को उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि हमारे पूछने पर लगेगा। मैं समझ सकता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है मधु भाभी, पर आप चिंता मत करिए, मैं किसी से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि उन्हें बुरा लगे। चलिए आइए पुजारी। लक्ष्मण रेखा की जी, मुझे बांधने के लिए? प्यार को कोई हद रोक पाई है जो ये रोकेगी? Come on, come on.
ये मत जाश्री, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी, एक छोटी सी लड़ाई जीत गया। पर ये मत बोल कि असली जीत उसी की होती है जो आखिरी जंग जीतता है, और वो तेरे बस में नहीं है। ये दरवाजा बंद हो गया तो क्या? मैं कोई दूसरा दरवाजा ढूंढ लूंगी बाहर जाने का। लेकिन आज भी हम वही बेवकूफी करने जा रहे हैं जो हमने 10 साल पहले की थी। किसी का कम किसी का ज्यादा सही, लेकिन लेकिन कसूर हम सबका था, इसलिए कोई भी इस मुसीबत से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। तो आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए भैया? एक ही जाना चाहिए और मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए, ताकि मरे तो सब मरे, नहीं ताकि बचे तो सब बचे। अनंत ठीक कह रहा है बेटा, क्योंकि मधु और श्री को अगर हमारे बीते हुए कल की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो ये दोनों परिवार बिखर जाएंगे। माँ, आप सब यहाँ? अरे इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है हरी, हम तो अक्सर साथ में बैठते हैं। तुम्हें कुछ काम था? हाँ भैया, उस महसानी मंगलसूत्र के बारे में पूछना था। आप में से किसी ने देखा है उसे? मैं वो मंगलसूत्र वापस लेने आई थी। वापस? और तूने कब दिया था हमें वो मंगलसूत्र? मैंने उसे अपने कमरे के दराज में रखा था बड़ी बा। लेकिन अब वो वहां नहीं है, तो हमें लगा कि शायद किसी ने निकाला हो उसे। कहीं तो ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि वो मंगलसूत्र हमने चुराया है? नहीं भैया, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। जब विचार घटिया हो तो अच्छे शब्द भी उन्हें ढक नहीं पाते। नहीं बस, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है बेटा? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं छोटी बा? आज चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, कल खून का इल्जाम लगा देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो मंगलसूत्र अभी भी इसी घर में है भैया। और चाहे किसी को बुरा लगे या नहीं, मैं वो मंगलसूत्र ढूंढ के ही रहूंगा। चलो श्री, इस घर में एक कमरा तेरे माँ बाप का भी है। अभी कानून की नजर में तो सब बराबर होते हैं ना, फिर ये भेदभाव क्यों? तो अपनी खोजबीन की शुरुआत छोटी बा के कमरे से क्यों नहीं करता? क्या हुआ, नहीं मंजूर? जाने दीजिए ना, हम कोई और। मुझे मंजूर है, मैं लूंगा मां के कमरे की तलाशी। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ हरी। ये तो देखो कि किस पर इल्जाम लगा रहे हो। अब जाओ और अपना वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। फिलहाल तो मैं यहां से जा रहा हूं, पर आप ये ना समझिएगा कि मैंने हार मान ली। ये वक्त मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपना इरादा बदल सकें, वरना आप। वरना मैं इस कमरे की जबरदस्ती तलाशी लूंगा। Go, 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 go.
अब तो खुश होना तुम, यही चाहती थी ना? कंग्रेचुलेशंस, जीत गई तुम। इस घर में वही हो रहा है जो तुमने चाहा था। घर के लोग लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। बहुत अच्छे श्री, बहुत अच्छे। भाभी मैं तो मंगलसूत्र ढूंढने के लिए, मंगलसूत्र का बहाना बना के बहुत से गुल खिलाए हैं तुमने। आप मेरा यकीन कीजिए, अब तो मैं उस मंगलसूत्र से जुड़े कोई सवाल के जवाब भी नहीं चाहती। श्री, तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं, ये कोई समझ पाया है आज तक? बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ। जैसे कि बहुत अत्याचार हो रहा है तुम पर। ऐसे ड्रामे मैं रोज देखती हूँ टीवी पर, इनका कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। अब ऐसी खड़ी क्या हो यहाँ? जाओ यहाँ से। रात की धमकी दे के गया है ना हरि? रात होने में अभी काफी वक्त बाकी है, जाओ। इस बिंदिया की शरीर की जरूरत ना होती तो एक पल नहीं लगता मुझे वो लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए। पर इस मंगल सूत्र को इस घर से बाहर ले जाने के लिए मुझे उस लड़की की बहुत जरूरत है। क्या करूं? कुछ तो हल निकालना ही होगा इस मुसीबत का। मंगलसूत्र का बहाना, मंगलसूत्र का बहाना, मंगलसूत्र का बहाना बना लिया है। बहुत से गुल खिलाए हुआ कि वो चूज, अच्छा ही हुआ कि वो चूज, अच्छा ही हुआ कि वो जान आफत में आ गई, जान आफत में आ गई, जान आफत में आ गई। इस मंगलसूत्र की वजह, इस मंगलसूत्र की वजह। एक ही रास्ता नजर आ रहा है मुझे फिलहाल के लिए, कि रात भर के लिए इस मंगलसूत्र को इसी घर में छिपा देती हूँ। सुबह तक इनकी छानबीन भी ठंडी पड़ जाएगी और उस विभूति की आग भी। फिर देखते हैं क्या करना है। हम अच्छे घर के खानदानी लोग, खानदानी लोग, ये चोरी चुगली जादू टोना ये सब, टोना ये सब घटिया चीजें हमारे खून में ही है, खून में ही नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं इसे रख सकूं। क्या करूं, कहां रखूं इसे? मंगलसूत्र का बहाना बना के बहुत से गुल खिलाए हैं तुमने, खिलाए हैं तुमने। आने की उम्मीद भी नहीं है। हाँ, इसी में रख देती हूँ। बस रात भर की तो बात है, सुबह होते ही मैं इसे यहाँ से निकाल लूंगी। बिंदिया, बिंदिया। और तुम्हारे हाथ में क्या है? किसकी अंगूठी है ये? मेरी। तो ये यहाँ, मैं कुछ समझी नहीं, कहीं खो गई थी क्या तुम्हारी अंगूठी? नहीं श्री। तो फिर वो मेरे माँ के गुरुजी, याद है तुम्हें, वो जामनगर वाले, हम जब छोटे थे कितना आया करते थे हमारे घर, भूल गई?
उन्होंने ही बनवाकर भिजवाई थी अंगूठी। कहते हैं जिसके पास भी अंगूठी होती है उसके साथ सब अच्छा ही अच्छा होता है। ये अंगूठी मौसी ने तेरे लिए बनाई थी तो इसे तू अपने पास ही रख। नहीं श्री, मुझसे ज्यादा तुझे इसकी जरूरत है। नहीं बिंदिया। चुप। हम सगी बहने नहीं है तो क्या हो गया? हमारा रिश्ता तो पुराना है ना। फिर तू पहने या मैं पहनूं क्या फर्क पड़ता है? ले संभाल के रख। नहीं बिंदिया, ये अंगूठी तू अपने पास ही रख। पता नहीं कहीं ये अंगूठी भी उस मंगलसूत्र की तरह खो गई तो। बहुत परेशान हूं मैं उस मंगलसूत्र की वजह से। पता नहीं किसने उसे मेरे कमरे से चुरा लिया। मैंने सुना है तुम लोग सबकी तलाशी ले रहे हो। वो नहीं नहीं तो फिर मेरी भी तलाशी होनी चाहिए। कैसी बातें कर रही है बिंदिया तू? तू तो हमारे घर में मेहमान है और मेहमान तो भगवान होते हैं। तो मेहमान चोरी नहीं कर सकता? देखो न्याय यही कहता है कि मेरी तलाशी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि श्री सिर्फ अपने ससुराल वालों पर शक करती है। मुझे किसी पर भी कोई शक नहीं है और तुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। भला तेरा उस मंगलसूत्र के साथ क्या नाता? श्री क्या हुआ? वो मंगलसूत्र मिल गया आपको? नहीं श्री, अभी तक तो नहीं मिला। तो अब क्या होगा? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तू चिंता मत कर। हाँ श्री, तुम हिम्मत मत हारो और वैसे भी हमने सब जगह कहाँ ढूंढा है अभी। श्री चलो थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ हाँ कर लो आराम श्री, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा आराम हराम होने वाला है। बस एक बार मैं इस मेहसानी मंगलसूत्र को घर से बाहर ले जाऊं, फिर देखना कैसे मेरा हरी फिर मेरे पास।